जगत ने बनाई दुनिया से खुद कुदरत रूठ गई। कुदरत ने बनाई दुनिया से खुद कुदरत रूठ गई। हरी भरी ये दुनिया देखो आज वीरान हुई। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। ये मोदी जी का काम ऐसा ही है क्या? हिंदुस्तान को बचाने इसमें बुरा क्या है? अरे जब से आए हैं तब से बंद ही बंद किया जा रहे हैं। और नहीं तो क्या, पहले नोटबंदी करवाई, फिर टैक्स बंदी और GST ला दिया, अभी पूरे शहर को बंद करवा के छोड़ा है। इसमें हमारा क्या नुकसान है? पापा तो फिर स्कूल बंद हो जाएगा। ये बच्चा तो खेलने में बहुत मजा आएगा। ये तू ज्यादा खुश मत हो, हाँ तेरे को पढ़ाई करनी है, मैं पढ़ाऊंगी तुझे। हाँ, देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। जनता कर्फ्यू से भी हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। सुना आपने? और जो मोदी जी करते हैं वो देश की भलाई के लिए ही करते हैं। हाँ, लेकिन देश की भलाई में जनता को तो तकलीफ होती है ना? हाँ, शुरुआत में तकलीफ होती है लेकिन उसके बाद खुशियां ही खुशियां है। ये तो पूरा मोदी भक्त है, इसकी तो बात ही अलग है। अरे मम्मी पापा, मेरे सारे दोस्त तो मोदी भक्त नहीं है ना? तो? लेकिन वो आज मान गए कि जो मोदी जी करते हैं वो देश की भलाई के लिए ही करते हैं। हाँ। लो, कर लो बात। महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए। ये क्या किया आपने? क्या है? चाय नहीं पी अभी तक, ठंडी हो रही है चाय। अरे न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ कोमल। क्या पढ़ना है, इसमें कोरोना के अलावा कोई न्यूज आता है क्या? अरे लेटेस्ट न्यूज है बाबा। मैं तो ये सोच के डर रही हूँ कि ये सब बंद हो जाएगा तो क्या होगा। अरे तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं नहीं लूंगी तो और कौन लेगा? मम्मी आ गई मेरी बच्ची। अरे जो सबका होगा वो हमारा होगा। क्या सबका होगा, फिर इसकी फिक्र कौन करेगा, इसकी पढ़ाई और शादी। अरे तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो, अभी बच्ची है वो। तुम बेटा जाओ अंदर जाके टीवी देखो। हाँ पापा। हे भगवान, ये कोरोना नाम की बीमारी
पता नहीं कब जाएगी। इंसान इंसानों में फासले बढ़ जाएंगे, कुदरत जब रूठेगी तो कैसे संभलेंगे। सोचा होगा तूने क्या होगा पर क्या हो गया, तेरी दुनिया में आज तू ही बंदी हो गया। मजबूर तो मैं हूँ पर तू तो सारे ब्रह्मांड का मालिक है। बचा ले मेरे बच्चे को हे नाथ, बचा ले मेरे बच्चे को। हे नाथ, क्यों छीन रहा है मेरे बच्चे को? पर मैं तो भूल ही गया था, कोरोना की इस महामारी में इंसान ने तुझे भी बंद कर दिया, तो चाहे तो भी कैसे बचा सकता है हे नाथ? पर तेरे सिवा इस दुनिया में है भी कौन जो इस दुनिया को कोरोना से बचा सके हे नाथ? लेके जा रहे हो? भगवान हमें शक्ति देना और सबको हिम्मत देना इस बीमारी से लड़ने के लिए। आप चलिए मेरे साथ। तुम्हारे बाद यही है जो इस दुनिया को कोरोना के कहर से बचाएगा। अरे एली, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड है कि नहीं? नहीं। हाँ? मिलाओ कभी। क्यों? हाँ? क्या बोला? हाँ? मैं देख रही हूँ आजकल तुम्हारा ध्यान काम में नहीं है। क्या करूँ, तू जब सामने आती है ना तो मेरा ध्यान काम से हट जाता है। तू तो पहले से ही कमजोर है। मैडम, प्रेम तुम जल्दी से स्ट्रेचर लेके आओ और बच्चे को गाड़ी में से उतारो और वार्ड नंबर 15 तैयार करो। जल्दी मूव फास्ट। तुम डॉक्टर अविनाश को खबर करो कि एक बच्चा है, इमरजेंसी है, और तुम मेरे साथ चलो फास्ट फास्ट कम। जी मैम। अरे रुको रुको, कहाँ लेके जा रहे हो मेरे बच्चे को? रुको, आप कहाँ जा रहे हो? आप अंदर नहीं जा सकते। पर क्यों नहीं जा सकता, वो मेरा बच्चा है। मैंने कहा ना, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे वो बीमार है, उसे कुछ हो गया तो? उससे कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। अपने हो या पराए, मैडम के लिए सब एक जैसे हैं। वो तो सही बताया आपने। हेली, वो बच्चा कहाँ है जो अभी अभी लाया गया? सर वो विधि मैडम ने वार्ड नंबर 10 में ले जाने को बोला है। ओके, चलो तुम मेरे साथ आओ।
पर वो औरत कौन थी? वो विधि मैम है। अब आपका बच्चा सुरक्षित हाथों में है। देखिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप अपने घर जाइए, ठीक है? हाँ पता नहीं भगवान इस रूप में मदद करता है। मिसेस विधि, प्लीज डू नॉट टच, कीप डिस्टेंस। विधि जी। सर तुम एक सीनियर नर्स हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगी। लेकिन ऐसा तो क्या कर दिया सर मैंने? देखो ये एक भयानक बीमारी है, ये तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। एम आई राइट? जी सर। तो फिर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन सर अगर हम टाइम पर नहीं पहुंचे तो मरीज की जान भी जा सकती है। जानता हूँ, लेकिन हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। बिल्कुल सर। वो बीमारी अगर तुम्हें हो जाती तो? लेकिन सर अगर हम ऐसा सोचेंगे कि बीमारी हमें हो जाएगी और इस हिसाब से बिहेव करेंगे पेशेंट्स के साथ, तो सर हमारी सेवा बिजनेस बन जाएगी। और सर लोगों ने हमें भगवान का दर्जा दिया है, बहुत अपेक्षा है लोगों की हमसे और वो हम नहीं तोड़ सकते। सबको अपनी अपनी सुरक्षा का ख्याल खुद रखना होगा। और पिंकी तुम अपना ख्याल रखा करो। लेकिन मुझे क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये सोच के हमें केयरलेस भी नहीं रहना है। लेकिन मैम मैंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है? अरे बाबा तुमने कुछ नहीं किया है, लेकिन ये डिसीज बहुत ही डेंजरस है, एक से दूसरे को और दूसरे से तीसरे को तुरंत ही फैल जाती है। लेकिन मैम आप भी तो यही करती है ना? फ्री है मैडम जी, जब हम अच्छा काम करते हैं तो डरने की क्या जरूरत है? हाँ लेकिन वो सब। अरे दीदी ये सब आप ही ने तो सिखाया है। अच्छा अच्छा ठीक है। विधि मैम। हाँ। बेड नंबर 10 के पेशेंट को डिस्चार्ज करना है। हाँ चलो, और तुम सब अपना काम करो। हाँ। एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चलो जी मैम। ओके तुम सब। कैसे हो सब? अच्छे। पूरे दिन गेम ही खेलते हो या होमवर्क भी करते हो? दीदी मेरा होमवर्क तो कब का हो गया? मुझे तो अभी आधे घंटे में क्लासेस जाना है, मुझे तो कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है चलो बाय बाय बाय। बंटी बंटी अंदर आ जा। अरे अरे बंटी ना बीच में से चला जाता है। अरे यार बंटी चला गया, अब मजा ही नहीं आएगा। देख बेटा बहू को बता दो कि नौकरी छोड़ दे। जी पापा। लो आ गई तुम्हारी बहू। कैसा रहा आज का दिन? कैसा रहेगा, मरीज बेचारे। तुम अपना ख्याल तो रख रही हो ना? हाँ विवेक। मैं क्या कह रहा हूँ? तुम तो रहने ही दो, आप कह दो ना। देखो बेटा हम चाहते हैं कि तुम थोड़े दिन के लिए छुट्टी ले लो। पापा जी लेकिन अभी मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। ऐसे कैसे छुट्टी नहीं मिलेगी, हम सिर्फ छुट्टी लेने को बोल रहे, नौकरी छोड़ने को नहीं बोल रहे। हाँ। लेकिन मम्मी जी
इस समय मुझे छुट्टी लेना ठीक नहीं लगता है। इसमें ठीक न लगने वाली क्या बात है? सिर्फ छुट्टी ही तो लेनी है और फिर खुद का भी तो ख्याल रखना होता है ना बेटा। हाँ हाँ, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। नहीं विवेक, एंड दैट्स नॉट पॉसिबल। विधि, समझने की कोशिश करो, ये हमारे परिवार के अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं। लेकिन जेठ जी, आप हमारे परिवार को इतना छोटा क्यों बना रहे हो? अरे ये पूरा हिंदुस्तान हमारा ही तो परिवार है और ये सारे लोग हमारे ही तो हैं। अपनी फिलोसफी अपने पास ही रखो। और बाहर का माहौल भी तो कितना खराब हो रहा है, और हमारे घर में छोटा बच्चा भी तो है ना। फिर तो भाभी, ऐसे तो हम सेल्फिश हो जाएंगे ना। इसमें सेल्फिश होने वाली क्या बात है, सबको अपना ख्याल रखना चाहिए। हाँ भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अपना ख्याल रखते हुए भी हम लोगों की सेवा तो कर ही सकते हैं ना, और ये तो मेरा फर्ज है ना विवेक। करेक्ट। देखो बेटा, हर इंसान को हालात के साथ साथ अपने आप को बदलना चाहिए। हाँ, और ये नौकरी छोड़ने की बात नहीं है, सिर्फ छुट्टी की बात है। हाँ। लेकिन मम्मी जी, इस वक्त उन लोगों को हमारी जरूरत है, और अगर इस समय हम उनका साथ छोड़ देंगे तो वो लोग तड़प तड़प के मर जाएंगे। अरे तुम अकेली थोड़ी हो, और भी तो लोग है वहाँ, और दूसरी नर्स नहीं है वहाँ पर। तो विवेक, उन लोगों का परिवार नहीं है क्या? जैसे वो लोग सेवा करते हैं, वैसे मैं भी तो कर सकती हूँ ना। ओहो, इससे तो बहस करना ही बेकार है।